गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस कैसे सिले। गर्मी का मौसम आ गया है तो आपके लड्डू गोपाल को भी गर्मी लग रही होगी, तो आप कॉटन का कपड़ा जैसे कुछ भी सूट सलवार बना रहे हो उसमें से कॉटन का कपड़ा बच जा रहा है तो उससे आप बहुत ही कम कपड़ा लगता है। और बहुत छोटे से लड्डू गोपाल है मेरे घर में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही, तो येलो कलर का मैं इनके लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिलना कैसे। बहुत ही ईजी है, बहुत आराम से आप बना लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हैं हमारे घर के लड्डू गोपाल, कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही प्यारे हैं और इनको एकदम अपने बच्चों की तरह रखना पड़ता है। आप जो कोई भी एक रिश्ता इनके साथ बना सकते हो, वो दोस्त का, बेटा का, कुछ भी, और उसी तरीके से इनकी केयर करनी पड़ती है और इनको घर पे रखना बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इनके कपड़े ड्रेस बनाने के लिए बात करती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना कम कपड़ा है, ये थोड़ा सा कतरन बचा हुआ है उसी से मैं बनाऊँगी। इसमें एक सूट और प्लाजो मैंने पहले बना के बताया हुआ है, तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, डबल फिर चार फोल्ड, बहुत ही छोटा सा, जैसे आप चोली की कटिंग करते हो फ्रॉक बनाने के लिए उसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। चोली की इससे पहले मैंने बहुत सारी ड्रेस कटिंग स्टिचिंग बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक लेना। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस तरीके से जैसे अंडर आर्म की गुलाई देते हैं उस तरीके से इसको कट कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से कट कर लिया है। ये वाइट वाला जो है वो पीछे का पल्ला होगा और येलो वाला आगे का पल्ला होगा। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड में दिख रहा है फिटिंग के साइड में उसको कट कर देंगे। और आर्मोल्स की गोलाई तो हमने कट कर ली है और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। तो पीछे वाले पल्ले में गले की कटिंग करना ज़रूरी नहीं है बट आगे वाले पल्ले में कटिंग करना होगा। तो इस तरीके से पीछे से इसको फोल्ड कर देंगे और इसको, ये पीछे का पल्ला है वाइट वाला, बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। ओके, और हल्का सा मतलब गला का जो कटिंग होता है उसको कट कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गया है तो अभी इसको सिल लेते हैं, कैसे सिलना है वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो स्ट्रेट वाला आगे वाले पल्ले में जो आगे का जो बटन लगाते हैं वो वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ के और इस तरीके से इस पर सिलाई चला देनी है। बहुत ही इजी है, आराम से बना लोगे। अगर मार्केट में आपको लड्डू गोपाल के कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से घर में बचे हुए कपड़ों से, बस नया कपड़ा होना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए, नए कपड़े से आप इस तरीके से लड्डू गोपाल को गोटा वगैरह भी चढ़ा सकते हो। जैसे आपने थंबनेल पे देखा था जैसे लेस ले लीजिए और उसको पूरा चढ़ा दीजिए तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली बताया हुआ है, आप वीडियो के एंड में देख लीजिए, मैं लड्डू गोपाल को पहना के भी दिखाऊँगी इस ड्रेस को। तो इस तरीके से होल्ड करके मैंने सिल लिया है इसको, बिल्कुल भी वीडियो फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस। तो ये सिल दिया है हमने, अब दोनों पल्लों का जैसे जो शोल्डर होता है वो ज्वाइंट कर लेंगे। थोड़ा सा बैक वाले पल्ले में जो गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको स्टिच कर लेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सब सिल लेना है और ये वाला इस तरीके से रखेंगे और ऐसे सिल लेना है। ये धागे को कट कर लेते हैं और इस तरीके से आपको सिलना है दोनों साइड एक एक पल्ला रखते हुए। अब इसी पे दूसरा वाला पल्ला भी रखेंगे और ऐसे सिल देंगे। एकदम बराबर सेट करते हुए तो ये सिल लिया। अब जो आर्म होल्स की गुलाई कटिंग हुई थी उसको भी सिल देंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए। ओके, तो आर्म होल्स का जो गुलाई है उसको इस तरीके से सिल दिया है। अब दूसरी साइड वाली को भी सेम इसी तरीके से सिल लेना है इस तरीके से। अगर आपको कम लग रहा है तो हम ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कट कर लीजिए और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिल लेंगे।
ओके। अब जो हमने नीचे का घेरा बनाना है वो कैसे करना है सब कुछ आप वीडियो देखते रहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी कपड़े का सूट और प्लाजो पैंट, पॉकेट वाला प्लाजो पैंट की कटिंग स्टिचिंग बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कर लेना गाइस। तो ये हमने सिल लिया, अब दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर देंगे। ओके, इस तरीके से। तो ये फिटिंग भी हो गया, अब दूसरी साइड से भी कर लेते हैं, धागे को कट कर देंगे। और अब ये दूसरी साइड से भी फिटिंग कर लेते हैं। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ड्रेस हमारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये देखिए ये हमारा ऊपर का चोली रेडी हो गया। अब इसमें घेरा लगाएंगे, चुन्नट के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ से इसको स्ट्रेट कट कर लेंगे। हमारे घर में काम चल रहा है गाइस, तो बैकग्राउंड साउंड है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये जो वाइट और येलो कलर का कपड़ा दिख रहा है उसी से हम लोग घेरा बनाएंगे नीचे का। तो थोड़े थोड़े इसको भी फोल्ड करके चारों तरफ मतलब तीनों तरफ से सील देंगे। एक तो हमारा चुन्नट में जाएगा तो इस तरीके से इसको पूरा सील लिया हमने। दोनों साइड से इसका कोर भी फोल्ड करके सील देंगे। ओके, तो दूसरी साइड से भी सिल देते हैं। अब जो हमारा चोली का ये वाला, इसको कट करके डोरी बना लेंगे जो कि आगे बांधने के लिए यूज होगी। जब हम लोग ड्रेस बनाए पहनाएंगे तो इसमें हुक वगैरह तो लगेगा नहीं, तो यही डोरी लगेगी और आगे से बांध दिया जाएगा। इस तरीके से उसको फोल्ड करके ऐसे मोड़ लेंगे और पतला सा डोरी रेडी करेंगे। तो इस तरीके से इसको सिल लेंगे। और जब पूरा डोरी सिल हो गया, थोड़ा धागा फंस गया था इसमें तो इसको निकाल लिया मैंने, अब दोबारा से सिल लेते हैं। तो इसको आप फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो थोड़ा आराम से सिलिएगा ताकि ये दिक्कत ना हो आपको कोई। तो ये डोरी को हमने यहाँ पे सिल लिया है। और चुन्नट के लिए जितना ज़्यादा कपड़ा लोगे उतना ही अच्छा ड्रेस तैयार होगा, जो ये हमने घेरा कट किया था उसके लिए। तो ये डोरी हमने रेडी कर ली है। अब थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और नीचे लटकन टाइप के, लटकन के लिए बना देंगे ताकि उससे प्यारा लुक लगे। तो ये कपड़ा है, इसको इस तरीके से रख के और सिल लेंगे। आप चाहो तो ऐसे डबल में भी सिल सकते हो और चाहो तो इसको कट करके छोटा छोटा बना लीजिए। तो छोटे से ड्रेस के लिए छोटा लटकन ही अच्छा रखता है। इसमें से दो कट कर ले रही हूँ मैं। ओके, और इसको इस तरीके से रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई चला देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा एक लटकन रेडी हो गया। और इसको सीधा करके दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके का लुक बनेगा ये। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे इसी तरीके से, सेम दूसरी साइड भी बना लेंगे। ओके, तो दोनों साइड हमने बना लिया है। अब इसको बीच से कट कर देंगे, दोनों साइड एक एक डोरी लगेगी हमारी। बीच से हमने कट कर दिया इसको। अब जो हमने घेरा के लिए कपड़ा लिया था इसको ले लेंगे। और ये जो हमने ये वाला चोली रेडी किया था इसके नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ पे इसको चून लगाते हुए सिल देंगे। ओके, तो इस तरीके से रखेंगे और ऐसे सिलना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सारे चोली को ऊपर उठा देंगे और पूरा चुन्नट एक साथ ही तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर चोली का जो कमर का हिस्सा है उसको रख के और उसको सिल देंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब घना घना सा ही चुन्नट लगाना है, पतला नहीं लगाना है, नहीं तो ड्रेस अच्छी नहीं लगेगी।
जितना लंबा कपड़ा होगा, जितना ज़्यादा चुन्नट लगाओगे उतनी ही ड्रेस अच्छी लगेगी लड्डू गोपाल की। तो ये देखिए, यहाँ से अब इसको सिल लेते हैं। इस तरीके से आप बड़े लोगों की नाइटी वगैरह भी तैयार कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको सीखनी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर तैयार करके बता दूँगी। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके से लड्डू गोपाल का हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। अब इसको बांधने के लिए, तो ये देखिए इस तरीके से आपका ड्रेस रेडी हो गया है लड्डू गोपाल का। देखिए कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। इस तरीके से आप उनको पहनाएंगे तो ऐसा ही ड्रेस लगेगा ये। तो इसमें अब यहाँ पे जो बीच का जहाँ से मैं पकड़ रही हूँ वहाँ पे दोनों साइड डोरी लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस बन गया है। तो एक डोरी यहाँ पे स्टिच कर देनी है और दूसरी उसके दूसरे साइड में। तो सिल लेते हैं और उसके बाद से मैं इनको पहना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है। तो यहाँ पे आपको एक डोरी लगा देनी है। और दूसरी वाली दूसरी साइड लगा देनी है। इस तरीके से तो इस तरीके से डोरी लगा दी है और ये लगभग हमारा ड्रेस पूरा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बस बनाना है आपको। आप चाहो तो घेरे के नीचे में लेस वगैरह भी लगा सकते हो और ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी, तो बहुत प्यारा लुक आता है। तो चलिए मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ड्रेस का। तो ये है ड्रेस का फाइनल लुक। इस तरीके से आपको बांध के और लड्डू गोपाल को पहनाना है इस ड्रेस को। तो चलिए लड्डू गोपाल को पहना के और फिर दिखा देते हैं आपको कि कैसा लुक आया है। कैसा लगा आपको ड्रेस बनाना? बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना बहुत सारी ड्रेस डिजाइनिंग, हेयर कटिंग, पार्लर का कोर्स सीखने के लिए और स्टाइलिंग कोर्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। तो ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहना लिया ये वाला ड्रेस। गर्मी नहीं लगेगी अब इनको और ये हैप्पी हैप्पी रहेंगे, कूल कूल। तो ये वाली, और आप इस चाहो तो ड्रेस को इस तरीके से गोटा लगा के भी बना सकते हो तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।